प्रदेश में है और पूरी ताकत वो लगाए हुए हैं, सारे मंत्री मुख्यमंत्री पूरा धन बल प्रशासन का दुरुपयोग करके वो बढ़त लेना चाहते हैं, लेकिन 11 महीने के कार्यकाल से लोग भयंकर संतुष्ट हैं। आज खाद डीएपी की किल्लत है, किसान परेशान है और 11 महीने में लोगों का विश्वास खोया है सरकार ने, इसलिए जनता भी इन सातों जगहों पर सरकार के काम का आकलन करेगी। हमारे उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं मानता हूं कि अच्छे बहुमत के साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे। मुख्य मुकाबला यहां भाजपा और कांग्रेस का है, पिछली बार की तरह यहां पर भाजपा को हारना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, यहां के हमारे उम्मीदवार भारी मत से जीत कर जाएंगे। राजस्थान के चुनाव में कश्मीर की एंट्री हो चुकी है, धारा 300 पर बात हो रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक की जो है कांग्रेस के नेता भी अब कत्लेआम की बात कर रहे हैं, भाषा कहने की। देखो भाषा को मैंने अपने भाषण में भी कहा, भाषा हमेशा संयमित होनी चाहिए, शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी बात रखें। और कांग्रेस पार्टी ने शुरू में कहा था जम्मू कश्मीर में हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण राज का दर्जा तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए, केंद्र सरकार ने कोर्ट में भी कहा है, खुद भी वक्तव्य दिया था कि पूर्ण राज का दर्जा मिलना चाहिए। अब सरकार को बिना टाइम खराब करे जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण, जो पहले राज्य था क्योंकि वहां सरकार नहीं बन गई है, एक पूर्ण राज का दर्जा देना चाहिए। इन उपचुनावों के अंदर सरकार को वोट मांगने से पहले जवाब देना चाहिए, कितनी नौकरी आप लोगों ने दी है, क्या हाल बिजली पानी का है, क्या हाल कानून व्यवस्था का है। अभी जोधपुर में इतना भयंकर हत्याकांड हुआ है, उसका खुलासा पूरा करना चाहिए, कौन लोग उसके पीछे थे। तो तमाम लोग आज आशंकित है सरकार के परफॉर्मेंस पर और मुझे लग रहा है कि वो कितनी कोशिश कर लें, लेकिन जानते हुए कि सरकार में तब्दीली नहीं होगी, लेकिन फिर भी उपचुनावों के अंदर सातों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मामले में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई, मैंने कहा ना ये चुनाव भाजपा कांग्रेस का होगा और हमेशा की तरह ये हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भारी मत से जीतेगी और हमारे उम्मीदवार पूरी ताकत से जनता के बीच में घूम रहे हैं, अच्छा समर्थन मिल रहा है। आज भी जो माहौल मुझे देखने को मिला, 3600 को हम कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे। लेकिन मदन दिलावर जी ने कहा कि धारा 370 को राहुल गांधी नहीं, उनके पिताजी भी नहीं। मैंने कहा ना जो भाजपा के नेता हैं उनको मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, एक एक अल्फाज जो मुंह से निकलता है जनता सुनती देखती है, तो क्या वो छवि अपनी बनाना चाहते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा कहा है मैंने मुद्दे कोई भी हो लेकिन खासकर भाजपा के साथी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं मैं समझता हूँ वो नंदनीय है और इस प्रकार को उनको भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और विशेष रूप से जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों को एक एक शब्द को सोच समझ के बोलना चाहिए। आज की सभा में नरेश मीणा को बहुत चर्चा हुई, हर वक्ता की जुबान में नरेश मीणा, आखिर नरेश मीणा। मैंने आपको कह दिया यहाँ चुनाव द्विपक्षी होगा, मुख्य हमारी पार्टी भाजपा से मुकाबला है और पिछली बार भाजपा काफी वोटों से हारी थी, इस बार में यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।